जिरोधा दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग हाउस है दोस्तों। अब सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट्स के अकाउंट्स जो हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अकाउंट्स स्टॉक मार्केट के, वो जिरोधा के पास में है, और इसीलिए उसे रॉबिन हुड ऑफ ब्रोकिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो कई दर्शकों ने ये जानना चाहा था कि जिरोधा के एप्लीकेशन पे जो बहुत सारे फीचर्स हैं, उनका हम इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम जिरोधा के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें ताकि सारे फीचर्स की जानकारी हो। तो हम ये वीडियो, एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें जिरोधा के काइट एप्लीकेशन को हम देखेंगे, और उसको 5 ब्रॉडर कैटेगरी में हमने बांटा है जिसमें हम उसके इस्तेमाल को जानने की कोशिश करेंगे। जो बिगिनर्स हैं खास करके, उन्हें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये 5 कैटेगरी कौन है, हम कवर करेंगे कि डैशबोर्ड को और प्राइस चार्ट्स को जो उस पर टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपलब्ध है। इसके बाद सेकंड सेगमेंट होगा जिसमें आपके स्टॉक्स की जो होल्डिंग्स है और उससे रिलेटेड एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद थर्ड कैटेगरी होगी कि जो आप कुछ चीज बाई करते हैं या सेल करते हैं तो सेम डे में पोजीशन कैसे रिफ्लेक्ट होती है, और उसके बाद ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं। खास करके बार बार इस चैनल पे समझाया जाता है बाई स्टॉप लिमिट ऑर्डर डालने के लिए, तो GTT ऑर्डर्स का किस तरह से हम इस्तेमाल करें ताकि उसे इफेक्टिवली हम डाल सकें, और जो हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाई है उसे एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर सकें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और उसके बाद दोस्तों हम फाइनली कवर करेंगे कि किस तरह से इजीली घर बैठे आप जिरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं, नए अकाउंट को आप खोल के इसमें काम करना चालू कर सकते हैं। तो मैं DK आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और एक एक एस्पेक्ट को जिरोधा काइट के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप जिरोधा के काइट एप्लीकेशन में अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो वो सेकंड पासवर्ड पूछेगा, और उसको डालने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, पहले हम हैं डैशबोर्ड के ऊपर में। तो डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर हैं, सबसे लेफ्ट में देखिए, ये आप यहाँ पर अपनी वॉचलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक ऐड करना है अपने वॉचलिस्ट में, तो आपको देखिए यहाँ रिलायंस पर NSE BSE दोनों के ऊपर में दिखाई देगा, और आप जैसे ही कर्सर को रिलायंस पे ले जाएंगे, यहाँ पे B मीन्स बाई सेल, चार्ट पे जाना है तो आप चार्ट पे जा सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप वॉचलिस्ट में ऐड करना है तो प्लस साइन के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। तो ये मैंने इसे क्लिक कर दिया, यहाँ देखिए रिलायंस आ गया दोस्तों। अब अगर हमें रिलायंस के प्राइस चार्ट पे जाना है तो हमें रिलायंस पे कर्सर ले जाना है, और ये देखिए चार्ट का साइन बना है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो रिलायंस का ये चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो इंडिकेटर्स डालना चाहते हैं, जैसा भी एनालिसिस करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एनालिसिस सीखने के लिए आपको अपने चैनल पे जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जीरो टू हीरो 1 से स्टार्ट करके, ताकि आप घर बैठे स्ट्रक्चर्ड तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, मोमेंटम की स्टडी, वोलेटिलिटी की स्टडी, सब कुछ सीख सकते हैं, और तब ये चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चार्ट इस्तेमाल करने के लिए तो सीखना पड़ेगा, मैं केवल आपको फीचर बता रहा हूँ कि जिरोधा काइट पे क्या क्या फीचर हैं। तो ये चार्ट पर फुल फ्लेजेड चार्ट है जिसको बहुत इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर्पस के लिए, और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर में। यहाँ पर देखिए सारे मेन्यू दिए हुए हैं, डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, होल्डिंग्स, पोजिशंस, फंड्स, अदर एप्लीकेशंस। तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, जब डैशबोर्ड पे आ गए तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं
इक्विटी कमोडिटी, ये दोनों सेगमेंट अलग अलग दिखाए गए हैं और कितनी मार्जिन आज की डेट में अवेलेबल है, आपने जो भी पोजीशन ले ली है उसके बाद बैलेंस मार्जिन जो है वो यहाँ पर इंडिकेटेड है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको दिखा रही है होल्डिंग्स, 16 पोजीशंस जो है वो होल्डिंग है जो ब्रैकेट में दिखाई जा रही है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है दोस्तों, जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी होने के कारण अगर आप ज़्यादा, पहले मैं जब जिरोदा पे काम नहीं करता था तो पहले मैं 8-10 पोजीशन से ज़्यादा ओपन नहीं रखता था क्योंकि आपको डेली के डेली स्टॉप लॉस और ये सब लगाने पड़ते थे। अब यहाँ पर आपने पोजीशन ली और जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दिया तो टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी, जब भी आपका टारगेट हिट होगा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आज 16 पोजीशन ओपन है और ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है दोस्तों कि 1.24 लाख का अभी तक प्रॉफिट है जो ओपन पोजीशन है, इसमें वो प्रॉफिट शामिल नहीं है जो ऑलरेडी बुक किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग फीचर्स हैं। करंट वैल्यू के हिसाब से आप कर्सर को ले जाएंगे तो बर्जर पेंट की पोजीशन दिखाएगा, यहाँ जिलेट की पोजीशन दिखा रहा है, एशियन पेंट, इस तरह से अलग अलग जो आपकी पोजीशन ओपन है इसके बारे में बता रहा है। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे जाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट जितना किया है उसको दिखाने लगेगा। इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो ये ग्रीन कलर जितने दिख रहे हैं वो पोजीशन में आप प्रॉफिट में बैठे हैं और रेड पोजीशन इंडिकेट कर रही है कि उसमें आप लॉस में बैठे हैं। इसका मतलब है कि एट ए ग्लांस आप देख सकते हैं कि जो आपकी 16 पोजीशन ओपन है उसमें कितने में प्रॉफिट में बैठे हैं, कितने में लॉस में बैठे हैं। या देखिए जो डार्कर ग्रीन है उसमें अधिक प्रॉफिट है, देखिए मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो एशियन पेंट में 30,361.5 का प्रॉफिट है, जबकि थोड़ा लाइटर है तो वो जिलेट का है 14,863.55 का प्रॉफिट है। यहाँ पर उसी तरीके से लॉस के फिगर है, आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में 7,172 का लॉस है। नीचे और आएंगे तो यहाँ आपको मार्केट का ओवरव्यू दिखेगा जिसमें निफ्टी 50 पिछले एक साल के दौरान में क्या ट्रेंड है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक है व्यू स्टेटमेंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको कंसोल में ले जाएगा और कंसोल में जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है रिपोर्ट एम्प्टी है। उसका कारण है कि मैंने यहाँ पर कमोडिटी किया है, मैं कमोडिटी में कोई पोजीशन नहीं है। जैसे ही मैं इक्विटी पे ले जाके क्लिक करूँगा और व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आज की दर्शाने लगेगा। अब दोस्तों हम होल्डिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए होल्डिंग्स है जिसपे मैंने क्लिक किया, पहले हम डैशबोर्ड पे थे, अब मैंने होल्डिंग को जैसे क्लिक किया तो ये जो 16 पोजीशंस ओपन है करंट होल्डिंग को केवल दिखा रहा है, जो आपने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं या लॉस बुक कर लिया है उसे ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए कॉलम क्या है, इंस्ट्रूमेंट किस किस में आपका पोजीशन ओपन है, कितनी क्वांटिटी है, एवरेज कॉस्ट बाई की क्या है, और यहाँ पर LTP जो अभी ट्रेडिंग हो रही है उस समय पे प्राइस क्या चल रही है, करंट वैल्यू इसकी क्या है, PNL प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो ये ग्रीन कलर से प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं और रेड कलर से लॉस दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसे जिसे नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा डेज प्रॉफिट एंड लॉस, आज की डेट में कल की क्लोजिंग के रिस्पेक्ट में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ये देखिए फिगर चेंज हो रहे हैं लाइव मार्केट में, ये कनेक्टेड है आप यहाँ देख सकते हैं। और टोटल जो 16 पोजीशन खुली हैं उनमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस का सिनारियो है, ग्रॉस सिनारियो ये दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर नेट चेंज है, मींस जब से हमने बाई किया है परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, 11% का लॉस है, 44% का प्रॉफिट है, 3% का प्रॉफिट है, 6% का प्रॉफिट है। तो ये तो डिपेंड करेगा आपने कब पोजीशन ओपन की है, और ये डे का चेंज दिखा रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए चलते हैं एनालिटिक्स पे, तो ये होल्डिंग से रिलेटेड एनालिटिक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए एनालिटिक्स है, आप चाहें तो इसे बगल में डाउनलोड है, इसे फर्दर एनालिसिस करने के लिए एक्सेल शीट के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं,
ताकि आप ऑफ मार्केट में भी उसको एनालाइज कर सके। तो यहाँ मैं एनालिटिक्स में क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही एनालिटिक्स को मैंने क्लिक किया तो हम फिर से कंसोल पे पहुँच गए। तो देखिए यहाँ होल्डिंग्स जो है, करंट होल्डिंग्स की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर आप सेक्टर का देखेंगे एलोकेशन, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका मटेरियल्स में 29% का एक्सपोजर है, करंट होल्डिंग में, फाइनेंशियल्स में 24.5% का, कंज्यूमर में 21.36% का, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17.88% का, यूटिलिटी में 7.23% का, और इस तरह से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसका ओवरऑल व्यू दिखा रहा है कि लार्ज कैप में एक्सपोजर है 78.77% का करंट वैल्यू के हिसाब से, और मिड कैप में है 21.23% का। अगर इन्वेस्टमेंट किया था तब क्या एलोकेशन था, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए परसेंटेज चेंज हो गए, 78.47% लार्ज कैप में अब दिखा रहा है एंड 21.53%। इसके बाद स्टॉक वाइज क्या एलोकेशन है यहाँ पर ये दर्शा रहा है, और नीचे बढ़ेंगे तो ये पूरे एक एक स्टॉक का डिटेल है कि किसमें क्या पोजीशन आज की डेट में है। या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, मींस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब है पीएनएल का मतलब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इन दिस केस प्रॉफिट है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का है कि ऐसा प्रॉफिट जिसको अभी तक हमने बुक नहीं किया है, सो यह अनरियलाइज्ड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अनरियलाइज्ड पॉसिबल है, आप चाहे तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट पर फर्दर एनालिसिस करने के लिए। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं रिपोर्ट के सेगमेंट में। ये कंसोल जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का सेगमेंट है। तो अगर मैं यहाँ देखिए पीएनएल है, टैक्स पीएनएल है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है, 60-day चैलेंज है, तो चलिए पहले 60-day चैलेंज से स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों 60-day चैलेंज एक जस्ट समझने का है कि सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए सेगमेंट वाइज है कि इस क्वार्टर में आई वॉज विनर, यहाँ पे विनर है, यहाँ पे लूज किया है, यहाँ पर विनर है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बार आप विन कर रहे हैं, आपका स्ट्राइक रेट कैसा आ रहा है। तो दोस्तों हो गया रिपोर्ट में, फर्दर रिपोर्ट में देख सकते हैं पीएनएल स्टेटमेंट। पीएनएल स्टेटमेंट में एट ए ग्लांस आपको ये ब्लॉक्स नजर आएंगे जहाँ रेड कलर लॉस दिखा रहा है और ग्रीन कलर जो है वो प्रॉफिट दर्शा रहा है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको डेट की रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं कि पिछले जो भी डेट का रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया है तो उस पीरियड में क्या सिनेरियो रहा है। तो मैंने ये एक रैंडम एक्सप्लेन करने के लिए डेट सेलेक्ट कर ली और इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये आपको दिखाएगा ओवरऑल कि आपने 4,16,000 का प्रॉफिट बुक किया है इस पीरियड के दौरान जो भी आपने रेंज सेलेक्ट की है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 1.11। तो टोटल प्रॉफिट हुआ अनरियलाइज्ड प्लस दिस, ये यहाँ पे अलग सेपरेट है क्योंकि कल के दिन इसमें लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये किसमें आपने प्रॉफिट रियलाइज किया है, किसमें आपने लॉस बुक किया है, ये सारे स्टेटमेंट आपको नजर आएंगे। तो कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले फीचर को समझते हैं। तो अभी हमने देखा डैशबोर्ड और करंट होल्डिंग से रिलेटेड और उसके एनालिटिक्स को। अब यहां पर दोस्तों पोजीशन करके है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें आपको कोई भी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। वो इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि अगर मैं आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक को यहाँ परचेज करता हूँ, खरीदता हूँ, तो यहाँ पर उस दिन की पोजीशन वो इंडिकेट करेगा। ये सेक्शन ज़्यादा यूजफुल है इंट्राडे ट्रेडर के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर वही पोजीशन इंडिकेटेड रहती हैं जिस दिन आपने उसे बाय किया है या सेल किया है। अब दोस्तों हम हैं जीरोधा गाइड के ऑर्डर सेक्शन पे। यहाँ पर देखिए ऑर्डर सेक्शन पे, इसमें ऑर्डर्स, GTT ऑर्डर्स, और अगर आप कोई स्टॉक का सिप स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों ऑर्डर्स में सबसे पहले समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें अपोलो हॉस्पिटल को बाय करना है, तो पहला तो हम यहाँ से सिंपल
अपोलो को सेलेक्ट करके ये बाई का सिग्नल पे अगर डालेंगे तो यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी खरीदनी है, लिमिट ऑर्डर डालना है या मार्केट ऑर्डर डालना है, हम इसको बाई कर सकते हैं। फिलहाल वो नहीं है दोस्तों। अधिकतर टाइम जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें एंट्री की भी प्रिसाइज प्राइस होती है, जिसे हम बाई स्टॉप लिमिट ऑर्डर के नाम से बार बार एनालिसिस करते हैं और सिखाया गया है चैनल के जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल वीडियो में। तो फॉर एग्जांपल दो मिनट के लिए हम चार्ट पे चलते हैं अपोलो हॉस्पिटल के। मैंने ये चार्ट के ऊपर में क्लिक किया। अब आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो अब मार्कअप फेज में है ये प्राइस में करेक्शन आपको लग रहा है कि पहले यहाँ पर कई बार सपोर्ट ले चुका है प्राइस और ये करेक्शन करीब करीब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है और डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप प्राइस एक्शन को देखते हैं, ओके आपको 4850 के ऊपर में बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डालना है। फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है 4728 पर, तो उसे कैसे डालेंगे? तो दोस्तों बहुत सिंपल है, चलिए ऑर्डर में चलते हैं और यहाँ पे ऑर्डर में हम जीटीटी में चलेंगे। जीटीटी में यहाँ है न्यू जीटीटी, न्यू जीटीटी में जैसे कलेक्ट करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, मैंने अपोलो हॉस्पिटल किया, ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल आ गया। मैंने एक्सचेंज देख लिया कि मैं एनएससी पे ऑर्डर डालना चाहता हूँ कि बीएससी पे ऑर्डर डालना चाहता हूँ, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए मार्केट की टोटल ब्रेथ नज़र में आने लगी कि कितना डेप्थ है मार्केट में। यहाँ पे मैं क्रिएट जीटीटी है तो मैंने क्रिएट जैसे ही दबाया और मैंने यहाँ पे बाई साइड में हमने क्या डिसाइड किया कि हम इसमें बाई ट्रिगर प्राइस डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रैंडमली डाल देता हूँ 5100 पर, मैं बाई स्टॉप ऑर्डर डालना चाहता हूँ और यहाँ पर 5100, तो ये हमारी हो गई प्राइस और ये हमारी ट्रिगर प्राइस, दोनों सेम भी रह सकते हैं या माइनर डिफरेंस रह सकता है कि जब प्राइस उस लेवल के ऊपर में जाएगी तब मेरा ये ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए। और ये सिंगल साइड में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ बाई करने में। तो यहाँ पर मैं जैसे ही प्लेस करता हूँ, ये देखिए जीटीटी क्रिएट हो गया और अपोलो हॉस्पिटल ऊपर में आ गया। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये प्राइस को चेंज करना तो यू कैन चेंज एंड मॉडिफाई। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं तो आई वुड लाइक टू डिलीट इट, तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों जीटीटी ऑर्डर जो मेरी करंट पोजीशन है, ये सारे जीटीटी ऑर्डर एक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं, जिलेट है, एचडीएफसी बैंक है और यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, सारा एट ए ग्लांस आप यहाँ देख सकते हैं। में अच्छा खासा प्रॉफिट है, हमने देखा था हम इसके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से जाके एक बार मार्केट क्लोजिंग के बाद हमने एनालिसिस कर ली और जीटीटी ऑर्डर को केवल मॉडिफाई कर दिया क्योंकि हम ट्रेल करना चाहते हैं, ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ एडिट में जाएंगे और यहाँ 3200 की जगह अब मुझे लगता है कि नहीं, इसका जीटीटी ऑर्डर इवन 4000 बहुत है तो मैं 4000 पे डालूंगा, इसे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मैंने 4000 डाल दिया और यहाँ पे मैंने टारगेट को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, मैंने ये मॉडिफाई कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप जीटीटी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ट्रेंड को राइड कर सके, रिस्क को मैनेज करते चले जाए जैसे जैसे प्राइस चार्ट के ऊपर में प्राइस स्ट्रक्चर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा आप चाहें तो जीटीटी ऑर्डर को एनालिसिस करने के लिए आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा दोस्तों कि जीरोधा काइट का जो एप्लीकेशन है बहुत यूजर फ्रेंडली है और वर्चुअली आप देखें तो सारी पोजीशंस, करंट पोजीशंस, पहले जो ट्रेड्स हुए हैं, ट्रेड बुक, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अगर आप चाहें
तो ट्रेड बुक को या करंट पोजीशन को डाउनलोड करके ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं, उसमें एक सेपरेट कॉलम क्रिएट करके कि क्यों आपने पोजीशन में एंट्री की, क्यों एग्जिट कर रहे हैं, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, ताकि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हो सके। अब समझते हैं दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति नया अकाउंट खोलना चाहता है तो क्या प्रोसेस है। बोल दोस्तों, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको पैन कार्ड तैयार रखना है, आधार कार्ड तैयार रखना है, चेकबुक तैयार रखनी है या चेकबुक का एक लीफ तैयार रखना है जिसमें अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड हो, और एक अपनी फोटो रखनी है, और इन सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके तैयार रखना है, और उसके बाद मोबाइल अपने पास में रखना है जिससे आपका आधार कार्ड, जो सिम, जो आपका मोबाइल नंबर है जिससे मैप है। अब उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है जीरोधा का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा वो आपको जीरोधा पोर्टल पे ले जाएगा, और नए अकाउंट को खोलने के लिए सिंपल जो जो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, ये डॉक्यूमेंट पहले से स्कैन करके रखिए, तो वो स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, और जैसे ही अपलोड करेंगे आपको आधार से केवाईसी का जो फॉर्मेलिटी है वो आपको ओटीपी आ जाएगी, और उसके बाद 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्मॉल ट्यूटोरियल जीरोधा गाइड के ऊपर में, जो एक पॉपुलर डिमांड के कारण बनाया गया, पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया इज अ यंग कंट्री, बहुत सारे लोग इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट विद द टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लेटफॉर्म जीरोधा, विच इज नॉट ओनली द एडवांस्ड बट द लार्जेस्ट ब्रोकर इन द कंट्री। इसके अलावा जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखते रहिएगा, ताकि अल्टीमेटली जब नॉलेज होगा और नॉलेज को अप्लाई करने की स्किल होगी, तभी हम पैसा कमा पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी वेरी सून। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।